भारत के कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया पर 2-1 से वनडे सीरीज जीत के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि टीम में केएल राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में बने रहेंगे। उनके बयान के बाद माना जा रहा है कि टीम से ऋषभ पंत की छुट्टी हो गई है। आपको बता दें, भारतीय कप्तान ने कहा कि टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो टीम में उसी तरह संतुलन बनाए रखते हैं जैसे 2003 के विश्व कप में राहुल द्रविड़ ने भूमिका निभाई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में ऋषभ पंत के सिर पर पैट कमिंस की बाउंसर लगी, जिसके बाद वो टीम से बाहर हो गए थे, जबकि आखिरी वनडे मुकाबले में ऋषभ पंत ठीक भी हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रखा गया। तो वैसे में देखा जा रहा है कि विराट ने पंत के अरमानों पर अब पानी फेर दिया है। अब ऋषभ पंत वापसी कैसे करेंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। ऋषभ पंत की वापसी पर खुद विराट कोहली ने विराम सा लगा दिया है और अब उनकी पसंद जो है विकेट कीपिंग के लिए भी वो केएल राहुल बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।